दोस्तों आज मेरे पास है Realme का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme C25s और इसको मैंने लगभग 7 डेज से ज़्यादा टाइम यूज करो और इस 7 डेज से ज़्यादा टाइम के अंदर मुझे इसके अंदर क्या क्या अच्छाई देखने को मिला और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिला सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स के साथ इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखते रहना अगर अपने स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हो तो। और इस वीडियो का लाइक करके रखते हैं सिर्फ 200 का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिजाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों Realme C सीरीज का हर एक स्मार्टफोन की तरह यहाँ पे भी आपको सेम टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बैक साइड की तरफ तो ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और यहाँ पे जो Realme का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, जो इतना बेटर डिजाइन आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद बात करिए इसका डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों अभी 10,500 रुपीज के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर 10,000 रुपीज के अंदर फुल HD फ्लैश रेजुलेशन का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का HD फ्लैश रेजुलेशन का एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो होने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इसका बेजल्स नीचे जो चेंज होने वाला है एवरेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, HD फ्लैश डिस्प्ले का जैसा क्वालिटी होता है उसी तरह क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और फोन साइड की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी इतना भी बेटर आपको नहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो 10,000 रुपीज़ के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर फुल HD फ्लैश रेजुलेशन का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको HD फ्लैश रेजुलेशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करिए इसका सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स के बारे में, यहाँ पे आपको 6000 mAh की काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन को बहुत कम टाइम के अंदर चार्ज कर सकते हो और बहुत देर तक यूज कर सकते हो। अगर अपने ऑल टाइम स्मार्टफोन को यूज करोगे तो यहाँ पे आप 7 आवर्स तक यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाएगा। जो बैटरी बैकअप होने वाला है काफी बढ़िया सा बैटरी बैकअप भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करिए इसका प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा MediaTek की तरफ से, MediaTek Helio G85 चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो गेमिंग के लिए काफी पावरफुल चिपसेट है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी गेम खेलना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से खेल सकते हो। मैंने इसके अंदर फ्री फायर, पबजी बहुत सारे गेम को ट्राई कर चुका हूँ, जो गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे मिला काफी बढ़िया सा, कोई भी लैग वगैरह मुझे इसके अंदर अभी तक नहीं दिखाई दिया। और उसके साथ साथ स्मार्टफोन आने वाला है एंड्रॉइड 11 के साथ और यहाँ पे Realme UI का अपडेट भी आपको आउट ऑफ बॉक्स इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करिए इसका कैमरा के बारे में, बैक साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप, जिसका मेन सेंसर होने वाला है दोस्तों 13 MP का और उसके साथ साथ 2 MP का आपको या फिर माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बात है दोस्तों, या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए था। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हो। और सेल्फी के अंदर 1 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो इसका मैं बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा का कुछ पिक्चर क्वालिटी आप लोग को देखा देता हूँ, देख सकते हो जो सिंपल शॉट, प्रोटेक्ट शॉट, सारे के सारे पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया सा कैमरा क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए। तो दोस्तों स्मार्टफोन मिलता है 10,500 रुपीज़ के अंदर, तो इसी प्राइस के अंदर स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है? तो मैं कहूँगी अगर आपने Realme का लावा रो एक गेमिंग के लिए अच्छा खासा स्मार्टफोन लेना चाहते हो अब इसको ले भी सकते हो, और अगर आपने बेटर डिस्प्ले लेना चाहते हो और उसके साथ साथ बेटर कैमरा लेना चाहते हो तो स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं होगा, क्योंकि आप Redmi Note 10 के पास जा सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन है। और Realme का भी एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो कि Realme Narzo 30 जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, जो 12,500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। और भी Realme का बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसके अंदर फुल HD प्लस रेजुलेशन का भी डिस्प्ले मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड का स्मार्टफोन है, आप उसके पास जा सकते हो। ऐसे भी दोस्तों आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो कि नहीं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों
सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते अगली न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।